बैक टू आदिराज फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मैं हूँ प्रिया। तो आज कोई ब्लॉग नहीं है, कोई मेकअप वीडियोज नहीं है, आज है दो प्रोडक्ट के रिव्यू। और ये रिव्यू कोई मेरे साथ कोई स्पॉन्सर वीडियोज नहीं है, जो भी सच है वही बोलूँगी। यूज किए दोनों प्रोडक्ट, तो मेरे को जो अच्छा लगा मैं उसके साथ आपको वो दोनों के रिव्यू देंगी और उनके बारे में बताऊंगी कि दोनों में से कौन सा बेस्ट है और मुझे कौन सा अच्छा लगा पर्सनली। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब जो प्रोडक्ट की मैं बात कर रही हूँ ना, वो प्रोडक्ट ना बहुत ही ऐसे अपने आप में पॉपुलर है, मतलब बहुत से लोग यूज करते हैं उसको। तो मैं जिस प्रोडक्ट की बात करती हूँ वो है ये दोनों सीरम, देख सकते हैं, ये देखिए। तो ये सीरम है, तो ये फर्स्ट वाला है गार्नियर का, ये गार्नियर का सीरम है, ब्राइट कंप्लीट विटामिन सी सीरम बूस्टर सीरम। और ये क्लेम करता है कि स्पॉटलेस ब्राइट स्किन इन 3 डेज। तो ये क्लेम करता है कि आपके स्पॉट को रिड्यूस करता है ये और ब्राइट करता है आपकी स्किन को ओनली 3 डेज में। बट चलो तो आगे मैं बताती हूँ उसका रीज़न। दूसरे प्रोडक्ट की बात करते हैं और ये है गुड वाइब्स का रोज हिप्स सीरम। और ये बोलता है इंस्टेंट ग्लो फेस सीरम है, नो पैराबेन नो सल्फेट है। और अगर इसके प्राइस की बात करूँ तो ये भी 225 रुपीज़ का है, 225 रुपीज़ का। और इसकी क्वांटिटी की बात करूँ तो ये है 10 ml और इस पर लिखा है। और आपको इसका हाउ टू यूज को ना अपने फेस वॉश करने के बाद 2-3 ड्रॉप्स आपके फेस पे ऐसे अप्लाई कर लेना। और इसके प्राइस की बात करूँ तो ये भी सेम प्राइस का है, 225 रुपीज़। और इसकी क्वांटिटी की बात करूँ तो ये आता है 15 ml, ये 15 ml आता है। और मैं दोनों की बात करूँ तो मुझे पर्सनली ऑनेस्ट रिव्यू है, मैंने इसका अलग से भी एक रिव्यू दिया है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। और जो कि मैंने ये और इसकी क्रीम का रिव्यू दिया वो भी आप देख सकते हैं, मैंने जो भी बोला सच बोला। अब ये वीडियो बनाने का रीज़न था कि ये दोनों में से मुझे बेस्ट कौन सा लगा। तो ये गार्नियर का है जो मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया था और गुड वाइब्स का भी मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया था। और मैंने एक वीडियो बनाया था मेरे चैनल पर, देख सकते हैं कि मेरे पर्पल हॉल से मैंने क्या क्या मंगवाया था। मैंने purple.com से शॉपिंग की थी, तो मैंने ये वाला सीरम वहाँ से बाय किया था और मुझे ये सीरम इतना पसंद आया कि मैंने सेकेंड बॉटल ले ली। तो इसमें ना आपको ना ये देखो ऐसी कुछ बॉटल मिलती है और इसमें फ्रेग्रेंस बिल्कुल भी नहीं आती है, एकदम ये देखिए उतनी फ्रेग्रेंस नहीं आती है। और इसकी कंसिस्टेंसी वाटरी है एकदम से, ये देखिए वाटर के जैसी है। और सच्ची में ये मैंने इसको यूज किया और ये आपकी स्किन को इतना अच्छा ग्लोइंग देती है। अगर आप मैंने इसको जब बाय किया मैंने ओनली नाइट में लगाया, सुबह में देख रही हूँ मेरे ना स्किन के यहाँ पे चिक्स वगैरह एकदम है ना ग्लो कर रही थी और मुझे बहुत पर्सनली पसंद आया। देन उसके बाद मेरे पिंपल्स के स्पॉट हो गए थे जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, तो मैंने ये वाला भी परचेज किया और इस पर लिखा था कि 3 डेज में हो जाता है। मैंने यूट्यूब पे और भी रिव्यू देखे तो सब लोग बोल रहे थे हो जाता है, तो मैंने बाई किया इसको और उसके साथ क्रीम भी यूज की। और मैंने 3 डेज में लिखा है, मैंने 15 या 20 दिन हो गए, आज मेरे भी एक भी स्पॉट का थोड़ा भी ये नहीं हुआ है कि थोड़ा सा भी हल्के हुए मेरे स्पॉट्स, बिल्कुल हल्के नहीं हुए, वो थे उससे भी ज़्यादा मेरी स्किन ख़राब होने लग गई है। और ये सच्ची है, आप भी गार्नियर वाला आप बिल्कुल परचेज ना करिए, करूँ ना। और इसकी बॉटल की बात करूँ तो ये ऐसी है और ये ऐसी है। तो अगर इन दोनों की बात करूँ ना, तो अगर मैं इसको रेटिंग दूँगी ना, इसको 10/10 दूँगी और इसको 10/4 या 5 दूँगी, क्योंकि मुझे इसमें मेरा आप सोच सकते हो 225 रुपीज़ गए हैं ना, उसमें से मुझे उसमें का 10 रुपीज़ का भी एफर्ट नहीं दिखाया इसने, मुझे बिल्कुल भी ऐसा खुश नहीं कराया इसने। मतलब मेरे पैसे पूरे वेस्ट हो सकते हैं ऐसा सोच सकते हो, मतलब ज़्यादा तो नहीं है कॉस्टली पर 200 रुपये भी बहुत बड़ी बात होती है यार। जब कुछ चीज़ अपन लेते हैं और वो कुछ कर ही नहीं पाती है तो मतलब क्या उसका। मैं तो अभी लाइफ में कभी ना लूँ इसको और मैं ये गुड वाइब्स के और 2-4
मंगाऊंगी, जैसे विटामिन ई सी आते हैं ना वो मंगाऊंगी, और ये ग्लोइंग वाला तो बहुत अच्छा है। इसको मेकअप से पहले भी मैं यूज करती हूँ, तो ये मैं लगाती हूँ, और अब इसको मैं बंद करने वाली हूँ। मैंने बंद कर दिया 2 डेज से, अब मैं इसको अप्लाई करती हूँ। तो यही था। तो अगर आप ना कोई भी सीरम चाहते हो ना इन दोनों में से, तो मैं तो गुड वाइब्स के बोलूँगी, और पर्पल पे ऑफ भी रहता है, और ये मैंने जो गार्नियर के लोकल मार्केट से लिया मुझे कोई ऑफ भी नहीं मिला था, तो क्या बोल सकते हैं, गार्नियर का तो ना ही लीजिए तो बेहतर है। तो ये था मेरा होम रिव्यू जो इन दोनों से रिलेटेड था। तो अगर आइए आपको ये पसंद आया, और अगर आप लोगों में से भी ये दोनों यूज़ किया तो मुझे कमेंट में बताना कि आपको कौन सा बेस्ट लगा, और वहाँ पे बताना कि आप कितना नंबर, इनको कितने नंबर देना चाहते हो, मतलब 10 of 10 देना चाहते हो गार्नियर वाले किसको देना चाहते हो, तो मुझे ज़रूर बताना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया थोड़ा सा भी तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।